तो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक आता है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, और ये जो टॉपिक है वो लगभग आईसीएसई बोर्ड्स के जूनियर बैचेस में भी है और 11th सीबीएसई के बैच में भी है। तो बहुत सारे लोग को जॉइंट्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं सिर्फ एक बोन के बारे में आपको बताऊंगा, सिर्फ एक बोन को अभी बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, ठीक है। छोटा सा ये वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, 1-1.5 मिनट का वीडियो है, आप बहुत ध्यान से देखना। आप जानते हो स्कैपुला क्या होता है? स्कैपुला, क्लेविकल, आपने नाम सुना होगा, पेक्टोरल गर्डल में पाए जाते हैं, लिम्ब में नहीं, गर्डल में। ये जो गर्डल हमारा होता है, जहां पे हमारा ये जो फोर लिम्ब होता है वो आर्टिकुलेट करता है ना। हाइंड लिम्ब में हमारा यहाँ एक होता है नीचे का गर्डल, हिप गर्डल एक होता है हमारा, हिप बोन जहाँ पे होता है, तो उसको हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, यहाँ को पेक्टोरल गर्डल और नीचे को पेल्विक गर्डल, ठीक है, जहाँ पे हमारा हाइंड लिम्ब होता है। तो जो स्कैपुला होता है वो क्या होता है, आपका पीछे का जो ट्राइंगुलर बोन होता है ना, ट्राइंगुलर बोन, जब भी आप अपना हाथ रखोगे तो ये पूरा ट्राइंगुलर बोन जैसे स्कैपुला पे आता है, ये स्कैपुला दोनों साइड, यहाँ यहाँ दोनों तरफ से स्कैपुला पाया जाता है, ठीक है। अब ये स्कैपुला कैसा होता है, देखिए ये स्कैपुला कुछ ऐसा ही होता है, ये स्कैपुला है मान लीजिए, और स्कैपुला बिल्कुल ट्राइंगुलर शेप होता है, यहाँ से शुरू होता है पीछे तक, आपने देखा भी होगा पीछे पीछे कई का, जो लोग थोड़ा सा बॉडी बॉडी वाले होते हैं, पीछे स्कैपुला निकला होता है इस तरीके से, बिल्कुल ब्रॉड शेप में दिखता है ना, और कमजोर लोगों का भी एकदम धंसा हुआ रहता है। तो ये स्कैपुला है, और स्कैपुला का जो एपेक्स रीजन होता है, मतलब ये है ना, ये एपेक्स रीजन है स्कैपुला का, इसका एपेक्स रीजन जो होता है यहाँ पर एक ऐसे गोल गोल सा एक आर्टिकुलेशन होता है इस तरीके का। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे देख लो आप इसको, ठीक है, ऐसे एक आर्टिकुलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इस आर्टिकुलेशन में, अगर ये एक स्कैपुला है, इस आर्टिकुलेशन को हम लोग यहाँ, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसी ग्लेनॉइड कैविटी में ये जो हमारा ह्यूमेरस होता है ना, ह्यूमेरस, इस ह्यूमेरस का जो आर्टिकुलेशन होता है वो इसी में होता है, तो ये हमारा ह्यूमेरस इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, फिट बैठ जाता है, ठीक है, ग्लेनॉइड कैविटी में। और इधर क्या होता है, क्लेविकल होता है, ये ग्लेनॉइड कैविटी है। और बच्चों, उसके बाद से ये जो आप फ्रंट का पोर्शन देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ये जो टेढ़ा सा नजर आ रहा है मेरे अंगूठे का सर, है ना, तो मैं सब कुछ यहाँ का बता रहा हूँ आपको, इस तरीके, इस तरफ का, ठीक है। तो ये जो सामने का ये जो बोन होता है, ये होता है आपका कॉलर बोन, जिसको हम लोग कहते हैं क्लेविकल, कॉलर बोन ये होता है, ठीक है। और ये एकदम बड़ा सा बोन होता है, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, ये थोड़ा टेढ़ा सा होता है, और ये आगे आकर यहाँ पर स्टेरनम से अटैच होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सामने से ये स्टेरनम है, ये ग्लेनॉइड कैविटी है, और यहाँ से ऐसे आपका ह्यूमेरस यहाँ पे इसको आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। सामने देखिए ये ग्लेनॉइड, ये क्या है, ग्लेनॉइड। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्लीटली जो बोन यहाँ पर होते हैं, क्लेविकल, स्कैपुला और यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी। थैंक यू।